क्योंकि ये जो मीटिंग आज पीएचडी की हो रही है, साथ साथ में वहाँ कहाँ पीएचडी अपनी अपनी मीटिंग चल रही है, एनसी की अपनी मीटिंग है। चले ये जो पीडीपी की आज मीटिंग भी हुई थी पैक, जो पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, नाम अभी आए हैं तो सोहेल बुखारी जो उनके चीफ स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने कहा है फुल मैंडेट दिया गया है महबूब जी को पार्टी की तरफ से, और जो दो दिन के बाद पीएचडी की मीटिंग होगी उसके बाद वो भी कॉल लेंगे और शायद डॉक्टर साहब सरबराही सबकी तरफ से करेंगे जी। हमारी जहाँ तक कंसल्टेशन का सवाल है, डॉक्टर फारूक साहब जो प्रेसिडेंट थे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो अपने सीनियर साथियों से इस बारे में जो है मशवरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल तक ये जो मशवरों का सिलसिला है ये मुकम्मल होगा। फिर जैसे आपने कहा, मुझे इसकी इतला नहीं है कि ट्यूसडे को वो मीटिंग होगी, उसके बाद मेरा ख्याल है एक बाज़ाबता उस पर जो आपको स्टेटमेंट हमारी तरफ से होगा और जो पीएचडी भी देगी वो आपके सामने आ जाएगी। नासिर साहब, जो पीडीपी है उन जो मीटिंग की उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की, उनकी जो शिरकत है उस मीटिंग में वज़ीर आज़म के साथ, तो उसमें उन्होंने तज़व्वुज़ बरकरार रखा कि मैडम पे फैसला मंजूर किया जाएगा, क्या फारूक साहब की तरफ से आपको कोई इंडिकेशन मुकम्मल दी गई साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, मैं पीडीपी के लिए तो बात कर नहीं सकता हूँ, आपने उनके स्पोक्समैन से जो सुना तो जाहिर है वो जो बात करेंगे वो अपनी पार्टी के मुतल्लिक करेंगे। जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, डॉक्टर फारूक साहब ने जो कंसल्टेशन का है सिलसिला वो शुरू किया है, कुछ सीनियर साथियों को आज मिले, कुछ शाम तक मिलेंगे, कुछ मुझे ख्याल है कल सुबह तक भी मिलेंगे। मेरा ख्याल है कल दोपहर तक हम आपको जो है वाजह तरीके से बात कर सकेंगे और जो भी हमको शेयर करना होगा हम आपसे करेंगे। हमने ये जो सुना है, मतलब सुना है, आपने भी पढ़ा होगा जो ये इन्विटेशन आई है, अगर मैं सही हूँ कि 14 लोगों को इन्विटेशन आई है, तो इसमें ये सिलेक्टिव लोग हैं या बाकी भी तो यहाँ पॉलिटिकल लोग हैं जिनको शायद ये इन्विटेशन नहीं आई? देखिए जनाब, जो बुलाने वाला मेज़बान है इसका जवाब वही दे सकते हैं। हमको आप कल कम साथियों ने पूछा कि आपको दावत मिली है, मैंने बिल्कुल उसमें जो वजाहत की, हमारे सदर डॉक्टर फारूक साहब को दावत मिली है, हमारे नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब को बहसियत साहब का चीफ मिनिस्टर दावत मिली है। इस हद तक मेरा जो है मानना, मुझे जो पता है इत्तलात है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बाकी वो किसको बुलाना चाहें ना बुलाना चाहें ये तो मेज़बान तक ही है ना। मेरी आप गुजारिश सुनिए, हमने कोई अभी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज मीटिंग नहीं बुलाई। एक मैं इस बात की जो है तस्दीक करता हूँ कि एक कंसल्टेशन का सिलसिला शुरू हुआ जो डॉक्टर फारूक साहब ने आज किया, कुछ सीनियर साथियों के साथ वो आज मिले, कुछ को वो आज शाम तक मिलेंगे, जम्मू के साथियों के साथ बात करेंगे, हमारे लद्दाख के ऑर्गेनाइज सेटअप के साथियों के साथ बात करेंगे, उसके बाद जो फाइनल होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी क्या राय रही कि फारूक साहब को जाना चाहिए जो आज 10 लीटर मिले उनसे? मेरा राय अभी आपका जानना बड़ा कबल अज वक्त है, कल जब पूरा कंसल्टेशन का सिलसिला शुरू होगा जो फैसला डॉक्टर फारूक साहब का होगा वो आपको कन्वे करेंगे।